आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चे गुवारा की जिंदगी की। एक तबके के लिए तो ये एक हीरो है और एक तबके के लिए ये विलन है। लेफ्टिस्ट थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो इनकी लेगेसी ऐसी है, इनके विचार कुछ ऐसे थे, कुछ भी हो जाए आप इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। रेवोल्यूशन क्रांति की विचारधारा में बिलीव करते थे ये। कोई भी रेवोल्यूशन की बड़ी से बड़ी सभ्यता को ध्वस्त कर सकती है। रेबल्स अगर यूनाइट हो जाएं तो सबकी बैंड बजा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है ये पूरा कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है, इसको खत्म करना होगा अमेरिका को, तो ये इंसानियत का दुश्मन मानते थे। तो आज हम बात करेंगे चे गुवारा। दोस्तों वैसे ये फैशन आइकॉन भी है, बहुत सारी इनकी टी शर्ट्स आती हैं और इस तरह की फोटोज जो आप देख रहे हैं बड़ी कॉमन है, फैशन आइकॉन भी है और बहुत लोग इनसे सिंपथाइज भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसा कि मैंने कहा कि एक तबका तो इनको हीरो मानता है और एक तबका इनको नकारता है, लेकिन कुछ भी हो आप इनकी तारीफ के भी किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये जीरो से आए थे और ऊपर तक गए थे। क्यूबन रेवोल्यूशन में इनका सबसे बड़ा हाथ था, फिडेल कास्ट्रो के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे और बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। तो आज हम बात करेंगे चे गुवारा, दो पार्ट में लेक्चर आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर के पीडीएफ ले सकते हैं, मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया, पिन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे, शुरुआती जिंदगी देखेंगे। दोस्तों बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, इन्होंने बहुत सारी जर्नीज की, अपनी बाइक उठाते थे और चले जाते थे लैटिन अमेरिका, मतलब जो साउथ अमेरिका कंट्रीज हैं वहां पे घूमते थे, और जब देखते थे कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, लोग इतनी गरीबी में रहते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। और ये कैपिटलिज्म को ही इसका पूरा का पूरा श्रेय देते थे कि कैपिटलिज्म की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्यूबन रेवोल्यूशन देखेंगे दोस्तों, 1952 से लेकर 59 तक, ये पूरा जो 7 साल का रेवोल्यूशन चला है क्यूबा की, मतलब क्यूबा को पूरी तरीके से जो बदल दिया और चेंज कर दिया, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, फिडेल कास्ट्रो की सरकार आ गई, वन पार्टी सिस्टम था पहले, फिडेल कास्ट्रो जो कि लीडर थे बेसिकली इस पूरे मूवमेंट के, उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि हम तो इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन बाद में फिडेल कास्ट्रो जो हो गए प्राइम मिनिस्टर हो गए। और उसके बाद चे गुवारा का सरकार में क्या रोल था, रिफॉर्मेशन क्या थे, इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किए, और किस तरह से जितने भी प्रिजनर थे वॉर के उनको कैसे एग्जीक्यूट किया, वो भी सब देखेंगे। और अल्टीमेटली हम देखेंगे एज अ रेवोल्यूशनरी कैसे थे दोस्तों, इनकी जिंदगी तो देखेंगे ही, साथ ही साथ ये इनका जो पूरा रेवोल्यूशन था, जो क्रांतिकारी दौर था, ये सिर्फ क्यूबा तक ही सीमित नहीं था, बाद में ये अफ्रीका भी गए, वहां पे भी बोलीविया कॉन्गो यहां पे भी एक्टिव हो गए, और 1967 में इनकी डेथ हो गई, मतलब इनको मार दिया गया था, ठीक है। तो खाली 39 साल के थे जब इनकी, मतलब जो इनका पूरा जीवन काल था वो खाली 39 साल का था, तो बहुत ही कम जिए थे ये, लेकिन जितना भी जिए एक अभिन्न छाप छोड़ी थी सबके ऊपर। अब दोस्तों क्यूबा की अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, आप देख सकते हैं कि अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप को देखें तो दिखेगा ही नहीं क्यूबा कहाँ पे है, अमेरिका के पास है, इसलिए इसकी महत्वता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस इसीलिए इसकी बढ़ जाती है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि 1945 के बाद या तो यूएसएसआर के साथ जाओ सोवियत यूनियन, या फिर अमेरिका के साथ जाओ, अमेरिका मतलब डेमोक्रेसी, यूएसएसआर मतलब कम्युनिस्ट। चे गुवारा तो शुरू से ही कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट हो गए थे ये, बहुत ही शुरू से पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया था, तो अमेरिका के बगल में कम्युनिस्ट कंट्री अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर क्यूबा की बात करें तो दोस्तों वो एक स्पैनिश कॉलोनी रही थी, आपको पता ही है कि ना, यूरोप ने मतलब इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी जिन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों इन्होंने, स्पेन ने क्यूबा को कॉलोनाइज किया था, क्यूबा स्पेन की कॉलोनी थी। फिर 1898 में जब अमेरिका ने इन्वेड किया तो क्यूबा फिर मतलब अमेरिका के हाथ में चला गया, स्पेनिश से हटके अमेरिका के हाथ में चला गया, और 1902 में फाइनली पार्शियल इंडिपेंडेंस मिला, और क्यूबा जो है, क्यूबा को पार्शियल इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन चलती पूरी तरीके से अमेरिका की थी। उसके बाद दोस्तों एक इंसान आता है जिसका नाम है फुलजेंसियो बटिस्टा, वो प्रेसिडेंट होते हैं 1940 से 1945 और 1952 से लेकर क्यूबन रेवोल्यूशन तक, क्यूबन रेवोल्यूशन के एरा में वही डिक्टेटर, पूरी उनकी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश होती है, और ये पूरा अमेरिका पीछे से सपोर्ट करता है उनको।
उनको उखाड़ के फेंक दिया था फिडल कास्ट्रो और चे गुआरा ने। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों चे गुआरा का जो नाम है चे, वो एक्चुअली में इनका नाम नहीं है, इनका असली नाम है अर्नेस्टो गुआरा, ठीक है। और अर्नेस्टो गुआरा के पिताजी का नाम था अर्नेस्टो गुआरा लिंच, और सिलिया इनकी माताजी का नाम था। 14 जून 1928 में इनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में 1928 में इनका जन्म हुआ था। भैया फुटबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है, ठीक है। डिएगो मैराडोना एक जबरदस्त प्लेयर है अर्जेंटीना के, मतलब थे, ठीक है। और कौन एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो 14 जून 1928 में इनका जन्म होता है। 5 बच्चों में सबसे बड़े होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ये दोस्तों। और एक चीज बता दूं, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी दोस्तों। इनके घर में लाइब्रेरी थी, 3000 बुक्स थी, और अतः पढ़ते थे ये, और ये नहाते नहीं थे। वैसे तो इनका नेचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, इनके दोस्त लोग बताते हैं बड़ा फ्रेंडली नेचर था, ठीक है। और बहुत ही जल्द किसी से घुल मिल जाते थे, क्या कहते हैं कि दूसरों को अफेक्ट कर देते थे, दूसरे बहुत अट्रैक्ट भी होते थे, लेकिन नहाते नहीं थे, बड़े गंदे रहते थे। हफ्ते में खाली एक बार नहाते थे, इसीलिए इनका जो निकनेम था चौंचू पड़ गया। चौंचू मतलब पिग, ठीक है, सुअर। तो प्यार से इनके दोस्त जो है इनको पिग बुलाते थे, क्योंकि गंदे बहुत रहते थे, ठीक है। कपड़े बड़े बदलते नहीं थे। वैसे जाड़े में तो एक मैंने ट्रेंड देखा है कि बहुत लोग चे गुआरा को ही फॉलो करने लगते हैं, तो पिग इनको बुलाते थे, लेकिन चे गुआरे से चिढ़ते नहीं थे, उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ ही साथ ये पढ़ते बहुत थे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही छोटी सी उम्र में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कार्ल मार्क्स लेनिन इन सबकी बायोग्राफी, इन सबके आइडियाज आइडियोलॉजी पढ़ने लगे थे। ऐसी बात नहीं है कि खाली लेफ्ट का ही पढ़ते थे, मतलब कम्युनिज्म का ही पढ़ते थे, इन्होंने सब चीज पढ़ी है। इन्होंने गांधी को भी पढ़ा है, इन्होंने नेहरू को भी पढ़ा है, इन्होंने बुद्धा को भी पढ़ा है, तो सब कुछ पढ़ा है। और ये तो सीधा सीधा बोलते थे कि इंसान की चेतना को जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जब आप चे गुवारा को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल एक अलग ही इंसान मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनरी थे तो आतंकवादी गतिविधियां इन्होंने की, मारना, इनका एक मोटिव था। और जब इनकी विचारधारा को आप पढ़ते हैं तो लगता है तो ये तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंसा का मार्ग अख्तियार करना ये सबसे ज्यादा गलत है। आप हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वहां पे फुलजेंसियो बटिस्टा और अमेरिका तो भर भर के, अमेरिका ने तो सब कुछ कबाड़ा किया है दोस्तों। आज पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से है, ठीक है। तो यहां पर वो भर भर के भेजते थे, तो मतलब रेबल्स ग्रुप को क्रश करने के लिए, तो इनके पास कोई चारा भी नहीं था, तो ये चीज था। अब दोस्तों क्या है कि बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको अस्थमा था, और जिंदगी भर तक रहा, उसके बावजूद एक बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन थे ये। गजब के स्विमर, फुटबॉल प्लेयर, रग्बी तो इन्होंने नेशनल लेवल तक खेला है, गोल्फ, शूटिंग, साइक्लिस्ट, और भैया मोटरसाइकिल तो चलाने का इनको बहुत शौक था। इन्होंने 2 ट्रिप्स की थी, और उन्होंने फिर उस 2 ट्रिप्स के एक्सपीरियंस को इन्होंने किताबों के पन्नों में भी उभारा है, मतलब लिखा है, जो बेस्ट सेलर बनी थी दोस्तों, ठीक है। तो क्या है कि वो जो 2 ट्रिप्स थी साउथ अमेरिका की, पूरी तरह से इनको चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज थी, और पढ़ते बहुत थे, पोएट्री भी पढ़ते थे ये, जी हाँ, जॉन कीट्स और बाकी सब, इन सब की पोएट्रीज भी बहुत पढ़ते थे। पढ़ने लिखने का इनको बहुत शौक था। अब पढ़ेंगे तो इंटेलेक्चुअल बनेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसे ही नहीं थे कि आए और हिंसा कर दी, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने इतना पढ़ा था कि इनका दिमागी लाइब्रेरी हो गया था, इसीलिए फिडल कास्ट्रो के ये फेवरेट थे। इनको सबसे बड़ी पोजीशन दी थी जब सरकार बनी थी, तो चे गुआरा सबसे ज्यादा, मतलब इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे चे गुआरा, और चे गुआरा का बहुत बड़ा हाथ है इनिशियल ईयर्स, जो क्यूबा के इनिशियल ईयर्स थे, तो शुरू में क्यूबा को बनाने का चे गुआरा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत थी, ठीक है। लेकिन अप्रोच इनका लेफ्टिस्ट था। वैसे मैं बता दूं कि फिडल भले ही चे गुआरा लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, ये तो जग जाहिर था, लेकिन फिडल कास्ट्रो जो कि प्रधानमंत्री बने थे क्यूबा के, वो कम्युनिस्ट, मतलब वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन शुरू में ये पता नहीं चल रहा था कि वो हैं क्या, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो कम्युनिस्ट हैं या फिर वो एक डेमोक्रेटिक है, वो क्या चाहते हैं। और फिडल कास्ट्रो जब सत्ता में आए थे, उन्होंने तो सीधा सीधा यही बोल दिया था कि कुछ महीनों में इलेक्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीमे से उन्होंने सत्ता छीन ली, और फिर ये बता दिया कि मैं एक सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हूं, मतलब एक कम्युनिस्ट हूं। वैसे इन्होंने बहुत ही बढ़िया चाल चली थी फिडल कास्ट्रो ने, लोगों को पता था
कि अगर ये कम्युनिस्ट हैं तो हम शायद इनका साथ नहीं दे, और ये फिडेल कास्ट्रो को भी पता था कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं लेफ्टिस्ट हूं तो लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं, तो बेटर यही कि अभी नहीं बताओ, एक बार रेवोल्यूशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम सब चीजें करेंगे। स्कूलिंग उसके बाद छह गुवारा जो है वो कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं ब्यूनोस आयरेस और वहां पे अपनी मेडिकल स्टडी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहां पे ही दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू खत्म 1945 में और एक नया एरा जो है वो शुरू हो गया है। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों पैरेलली, एक के बाद एक अब देशों में रेवोल्यूशन आएंगे। अब यहां पे गुवारा जो है अपनी यूनिवर्सिटी से ही एक जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। ग्वाटेमाला में यहां पे जो कि एक मतलब एक छोटा सा ही आइलैंड है, द्वीप है, वहां पे कुछ चीजें चल रही थी। वहां पे क्या एक रेवोल्यूशन चल रहा था कि कुछ भी करके ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो फ्यूडलिज्म है, उसको उखाड़ के फेंकना था। तो वहां पे गुवारा जाके एक्टिव हो गए, लेकिन इनको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, वो फिर अर्जेंटीना आए क्योंकि फिर वहां की जो अथॉरिटी है उन्होंने क्रश करना शुरू किया। उसके बाद अर्जेंटीना आए और क्यूबा में दोस्तों यहां पे क्या हो रहा था कि 1940 से लेकर 1945 तक फुलजेंसियो बटिस्टा प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर 1952 से लेकर 59 तक ये इनकी पूरी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई थी, पूरी अथॉरिटेरियन स्टेट, अमेरिका पूरा बैकअप कर रहा था। देखिए इनका बटिस्टा का जो टेन्योर था वो बड़ा ही खराब था। करप्शन चरम सीमा पे, एक्सप्लॉयटेशन चरम सीमा पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया था। क्यूबा को कैपिटल बना हवाना जो क्यूबा की कैपिटल है वो उन्होंने अमेरिका का एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था। टूरिस्ट स्पॉट मतलब होता है ना कि आप थक जाते हैं और मौज मस्ती करने के लिए आप हवाना जाते हैं। ठीक है, इस तरह का होता था। पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में चला गया था क्यूबा और वहां पर कुछ बचा ही नहीं था। अगर हवाना को छोड़ दें, बाकी जितनी भी सिटीज थे उनकी हालत बहुत बुरी थी, एक्सप्लॉयटेशन में डूबे हुए थे और सीधा गोली ही मिलती थी। पूरी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश थी, उखाड़ फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी था, लोग बहुत परेशान थे। पेजेंट्स को वहां पे कुछ नहीं था, जो फार्मर्स थे वहां पे, जो लेबरर्स थे उनको भगा भगा के मारा जाता था अगर वो कुछ भी बोलते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टैब्लिश हो गया था, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दोस्तों इन्होंने दो एक्सपेडिशन किए, मैं बता चुका हूं, दो ट्रिप की। पहली ट्रिप तो बाप रे 45,000 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर हो गया। ठीक है, और दूसरी ट्रिप 1951 में की, वो भी इन्होंने 8,000 किलोमीटर और बड़ी ट्रिप। अब दोस्तों ये पूरी साउथ अमेरिका जो लैटिन कंट्रीज है, साउथ अमेरिका कंट्रीज है, वैसे साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है चलिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। साउथ अमेरिका में गिनी चुनी बहुत ही कम कंट्रीज है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है ना कि दो ट्रिप इन्होंने की, उस ट्रिप ने इनको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। वहां पे ये देखते हैं, जैसे चिली में बात करें या और भी देशों में बात करें, ये देखते हैं कि लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, एक्सप्लॉयटेशन है। देखिए फ्यूडलिस्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमने भारत में भी देखा था। फ्यूडलिस्ट मतलब जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो जमींदार्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जिनके पास लैंड्स होते हैं या जमीन होती है, ठीक है, तो वहां से ही एक्सप्लॉयटेशन जो है वो शुरू होता है। ये देखते हैं कि लोगों के पास इतनी ठंड में ओढ़ने के लिए चद्दर तक नहीं है, कंबल तक नहीं है, ब्लैंकेट तक नहीं है, ठिठुर रहे हैं ठंड में, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन है। दिन रात यहां पे काम करवाया जाता है और जो बड़े बड़े वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये गुवारा ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से है, इसको हटाना होगा। और गुवारा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर करने की ही सोच रहे थे ताकि कैपिटलिज्म पूरे नक्शे से ही साफ हो जाए। ये जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये हमेशा मानते थे कि रेवोल्यूशन में इतनी ज्यादा ताकत है कि किसी भी सभ्यता को ध्वस्त कर दे, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज है। वैसे ये भी बोलते थे कि सेल्फ रिफाइनमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पे जो है ये जो दो जर्नी इन्होंने की और इन्होंने पूरा ट्रैवल किया, वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था, इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, ये जो है इन्होंने अपनी डायरी में भी उतारी, जिसको मोटरसाइकिल डायरीज बोला गया और जो बेस्ट सेलर बनी थी न्यूयॉर्क में। मैंने बताया ना कि आप इनकी तारीफ किए बिना जो है वो रह नहीं सकते। और अब शुरू होता है दोस्तों क्यूबन रेवोल्यूशन। अब क्यूबा में रेवोल्यूशन आएगा। उसको कौन लीड कर रहे थे?
फिडल कास्ट्रो जो कि एक बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, और ये उन 1959 से लेकर 1976 तक तो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1976 में क्यूबा में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और 1976 से लेकर 2008 तक के प्रेसिडेंट थे। और दोस्तों ये वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिज्म है वहां पे, ठीक है। इनके भाई हैं रुआल कास्ट्रो, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। तो इन सब भाइयों ने और चे गुवारा के साथ मिलके, वैसे तो दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन अब मिल गए क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, क्यूबा को लिबरेट करना। दूसरी चीज, चे गुवारा का ये मानना था कि ये जो लैटिन अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका कंट्रीज है, ये कोई सेपरेट कंट्रीज नहीं है, सेपरेट नेशन नहीं है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। ये इनको सेपरेट ऐसे देखना तो गलत होगा, ठीक है। कल्चरली, इकोनॉमिकली ये सब एक हैं, और इनको लिबरेट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्रांति ले आओ। जो जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, उन सबको इकट्ठा करो और इन देशों, स्पेशली अमेरिका, इनके खिलाफ एक क्रांति छेड़ दो, अपने आप सब ध्वस्त हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी। अब उसके बाद दोस्तों उन्होंने ग्वातेमाला छोड़ दिया और मेक्सिको आ गया। अब स्ट्रैटेजी ये थी कि मेक्सिको से ग्रैंडमा होते हुए क्यूबा जाएंगे और वहां पे अटैक करेंगे, एक क्रांति लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। अगस्त 1955 में चे गुवारा जो है वो फिडेल कास्ट्रो से मिलते हैं, रुआल कास्ट्रो से मिलते हैं, दोनों की मीटिंग होती है। फिडेल कास्ट्रो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, और उसके बाद गुवारा जो है 26th ऑफ जुलाई मूवमेंट, जिसको M7 भी बोला गया था, वो ये ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसा है ना कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप अमेरिका से लड़ रहे हैं, चंद लोग सीधा अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने बाद में हाथ खींच लिए थे, क्योंकि बटिस्टा का जो टेन्योर था वो इतना खराब था, इतना ज्यादा वहां पे ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन हो रहे थे, कि बाद में अमेरिका ने बटिस्टा को सप्लाई देनी बंद कर दी। भैया ऐसा है ना कि आप एक बहुत सक्षम देश नहीं है, तो आपको किसी ना किसी देश की जरूरत है। तो अमेरिका यहाँ पे फुलजेशन बटिस्टा को सपोर्ट कर रहा था, बाद में अमेरिका ने हाथ खींच लिया, बोला कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा पागल इंसान है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक संजीवनी बूटी का काम किया फिडेल कास्ट्रो। दूसरी चीज, बटिस्टा को पता था फिडेल कास्ट्रो कितना, मतलब मेरे लिए कितना खतरनाक है, तो फिडेल कास्ट्रो को तो पहले उसने अरेस्ट करवा दिया था, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया था। तो जैसे ही फिडेल कास्ट्रो जेल से बाहर आए, उन्होंने सीधा ये बोलना शुरू कर दिया कि अब तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं, अब हम रेवोल्यूशन करेंगे। तो वहां से फिर क्यूबन रेवोल्यूशन की स्टार्ट होती है। अब दोस्तों फिडेल कास्ट्रो की भी बायोग्राफी मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है, माई लाइफ, ठीक है। तो उसी पे ही मैं पूरा का पूरा लेक्चर ले आऊंगा, और वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 1952 से स्टार्ट हुआ था। अब ये देख लीजिए, ये जूम इंड मैप है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा यही था कि मेक्सिको से जाएंगे हम सीधा ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा से ही क्यूबा में घुसेंगे। अब ये सेंटा क्लारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, यही एक ऐसा, ये एक ऐसी सिटी है जहां पे, जिसको सबसे पहले सीज किया गया था, ठीक है। सबसे पहले यहां इस सिटी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया गया था, और उसके बाद फिर ये एक के बाद एक सिटीज को कब्जे में लेते हुए हवाना की तरफ बढ़े थे। और एक बार हवाना जब डाउन हो गया, तो उसके बाद सब कुछ आपके पास है। तो दोस्तों ऐसा था ना कि अब जो है ये लोग क्यूबा में लैंड करते हैं, ठीक है। ये बात है 1956 की। लेकिन जैसे ही लैंड करते हैं, वैसे ही क्यूबा की जो आर्मी होती है, जो बटिस्टा की आर्मी होती है, वो पूरी तरीके से इनको अटैक करती है। लैंड मतलब शिप से आते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका कार्गो जो मतलब शिप होता है, ठीक है, पानी के रास्ते से आते हैं, चुपके से आते हैं, किसी को पता नहीं चले, लेकिन पता चल जाता है, और आर्मी अटैक करती है, इनकी 70-80% आर्मी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि रुआल कास्ट्रो, फिडेल कास्ट्रो छे फिर भागते हैं जंगलों की तरफ, ठीक है। सियरा मेस्ट्रो माउंटेन में ये शरण लेते हैं, और वो जंगल होता है। यहां पे गुरिला वॉर शुरू होता है। अगले 3 साल बड़े टफ है, और दोस्तों ये रेबेल की जिंदगी है, जो कि बहुत टफ होने वाली है। अभी तक चे गुवारा ने किसी को मारा नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये है कि ये फिर जाते हैं जंगलों में, ये माउंटेन्स में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं तो गांव पड़ते हैं, वहां पे पेजेंट्स होते हैं। चे गुवारा का ये मानना होता है, और फिडेल कास्ट्रो भी उनको कन्विंस करते हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमको खाना दो। अब वहां पे जो विलेजर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम इनसे कोई सिंपथाइज नहीं करते थे, हमको तो पता भी नहीं था क्यूबन रेवोल्यूशन क्या है, हम सिर्फ डर के मारे देते थे, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी। तो दोस्तों लेकिन बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं वो इनके साथ जुड़ने लगते हैं। दूसरी चीज, चे गुवारा को यह भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ यहां पर करना होगा, ऐसे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो चे गुवारा जो है वहां पर बेकरी बना देते हैं,
छोटी सी होती है, मतलब ताकि ब्रेड खाने आने का तो इंतजाम हो सके। उसके बाद वहां पे लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं, वहां पे स्कूल स्कूल सब खोल लेते हैं ताकि वहां पे लोगों का भरोसा जीत सके, अपना रेडियो स्टेशन तक एस्टैब्लिश कर देते हैं। इंटेलिजेंट आदमी थे चे गुएरा, और चे गुएरा को जो डिसाइपल्स मतलब जो लोग होते हैं, जो नए नए आर्मी के रिक्रूट्स होते हैं, स्पेशली जो यंग बॉयज होते हैं 15 साल के 16 साल के, वो चे गुआरा को अपना भगवान मानने लगते हैं। वो बोलते हैं जो चे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मॉरली करेक्ट है। और चे गुआरा का मॉरल जो ग्राउंड था वो इतना ज्यादा रहता था, इतने हाई ग्राउंड पे रहते थे वो मॉरली, अगर मान लीजिए कि उनको लगता है कि कोई भी इंसान गलत है, ठीक है, और उसकी जो सोच है वो मुझसे नहीं मिल रही हो, तो सीधा मार देते थे वो, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे स्पाइस भी थे, चे गुआरा की आर्मी में बहुत सारे जासूस भी थे। चे गुआरा को जब भी पता लगता था कि कोई ये जासूस है या शक भी होता था तो उसको मार देते थे। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे बटिस्टा की आर्मी लगातार ढूंढ रही है जंगलों में कि ये जो जुलाई 26 मूवमेंट है इसके कितने मेंबर्स बचे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं। ये पूरी मूवमेंट है और जितने मेंबर्स है ये सब अंडरग्राउंड है। तो यहां पे बटिस्टा की आर्मी ढूंढ ढूंढ के मार रही है, दिक्कत है। लेकिन फिर दोस्तों ये पूरा जो मुठभेड़ है वो चालू रहती है, गुरिला वॉर चालू रहते हैं, छुप छुप के चे गुवेरा जो है वो एसॉल्ट करते रहते हैं, और फिडेल कास्ट्रो भी। और अल्टीमेटली 1958 में जो इन्होंने अपना रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश किया होता है, जिसको रेडियो रिबेल्डो मतलब रिबेल रेडियो बोला जाता है, वहां से ये जुलाई मूवमेंट को पब्लिक करते हैं और हर किसी को बताते हैं कि अब जो है करो या मरो। उसके बाद दोस्तों यहां पे अपनी आर्मी के साथ, क्योंकि जब ये जंगलों में रहते हैं तो बहुत सारे पेजेंट्स और बहुत सारे लोग इनकी आर्मी से जुड़ते हैं और अपनी पूरी आर्मी को लेके जाते हैं। और हाँ, चे गुवेरा जो है फैक्ट्रीज भी बना देते हैं, ग्रेनेड्स को कैसे बनाया जाए, हथियार को कैसे बनाया जाए, ये सब भी सिखाते हैं। तो हथियार इनके पास ऑलरेडी होते हैं, तो चे गुवेरा जो है वो जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक क्यूबा की सिटी पे हमला शुरू करते हैं, आर्मी पे असॉल्ट करते हैं और क्यूबा को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। सेंटा क्लेरा पे सबसे तगड़ा अटैक होता है, ठीक है, और वो सेंटा क्लेरा पे अटैक टिक नहीं पाता है। उसके बाद क्यूबा की कैपिटल पे जाते हैं हवाना पे, वहां पे अटैक होता है और बहुत ही जल्द, क्योंकि यहां पे अमेरिका को का तो कोई ज्यादा सपोर्ट है नहीं, हवाना को भी कैप्चर कर लिया जाता है। फुलजेंसियो बेटिस्टा भाग जाते हैं, ठीक है, डर के मारे भाग जाते हैं, जितने भी पैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे लेके भागे थे, जितनी भी चीजें होती है इकट्ठा करते हैं और एक प्लेन लेके डोमिनिकन रिपब्लिक भाग जाते हैं। और 1959 नया साल 1959 यहां पे क्यूबा में रेवोल्यूशन आ चुका होता है और रातों रात सरकार पलट जाती है। लीडर कौन है? फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा, क्यूबन रेवोल्यूशन के हीरो। लोग बोलते हैं कि भैया ये तो हीरो हैं, इनका स्वागत बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब असली चीजें शुरू हुई हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यूएसएसआर के साथ रिश्ते, और उसके बाद चे गुवेरा के फिडेल कास्ट्रो के साथ रिश्ते कैसे थे वो हम देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि बाद में फिडेल कास्ट्रो ने बोल दिया था कि अब सही वक्त है चे कि तुम ये देश छोड़ दो, वो सब हम अगले उसमें देखेंगे और इनकी डेथ वो सब देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक न्यूज़, साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।